सवालों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन इनमें प्रयुक्त शब्दों का अर्थ बहुत ही गहरा होता है। कई बार स्टूडेंट्स इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि आखिर सवाल में पूछा क्या जा रहा है। ऐसे में सवाल का जवाब देने से पहले ये जरूरी है कि आप उसकी आवश्यकता को समझें कि आपको आखिर उत्तर किस तरह से देना है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है कैसे समझें यूपीएससी के पेपर की लैंग्वेज। तो उत्तर लेखन प्रक्रिया का सबसे पहला चरण यही है कि उम्मीदवार प्रश्न को कितने सटीक तरीके से समझता है या उसमें छिपे विभिन्न उप प्रश्नों या उनके पारस्परिक संबंधों को कैसे परिभाषित करता है। तो सच तो यह है कि आधे से अधिक अभ्यर्थी इस पहले चरण में ही गंभीर गलतियां कर बैठते हैं। तो प्रश्न को समझने का अर्थ यह है कि प्रश्नकर्ता हमसे क्या पूछना चाहता है। तो कई बार प्रश्न की भाषा ऐसी होती है कि हम संदेह में रहते हैं कि क्या लिखें और क्या छोड़ें। तो इस समस्या का सलूशन करने के लिए प्रश्न को समझने की क्षमता का विकास करना आवश्यक है। तो प्रश्न को ठीक से समझने के लिए मेन दो बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला ये कि प्रश्न के अंत में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इज प्रश्न के कथन में कितने तार्किक हिस्से विद्यमान हैं और उन सभी में आपसी संबंध क्या है। तो प्रश्न में अंत में दिए गए शब्दों का आश्रय उन शब्दों से है जो बताते हैं कि प्रश्न के संबंध में अभ्यर्थी को क्या करना है। तो ऐसे शब्दों में विवेचन कीजिए, विश्लेषण कीजिए, प्रकाश डालिए, व्याख्या कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन, परीक्षण, निरीक्षण, समीक्षा, आलोचना, समालोचना, वर्णन या विवरण और स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, अगर ये सब शामिल हैं, तो इन शब्दों का आधार पर ये तय होता है कि परीक्षक अभ्यर्थी से उत्तर में क्या उम्मीद कर रहा है। तो ये सही है कि बहुत से परीक्षक खुद ही इन शब्दों के प्रति हमेशा चौकस नहीं रहते, लेकिन अभ्यर्थियों को यही मानकर चलना चाहिए कि परीक्षक इन्हीं शब्दों को आधार बनाकर ही उत्तर का मूल्यांकन करते हैं। तो अब कुछ शब्द देखते हैं, जैसे वर्ण, व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए, प्रकाश डालिए। तो इन सभी शब्दों के प्राय समान आश्रय व्यक्त होते हैं। ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थियों से सिर्फ इतनी अपेक्षा की जाती है कि वो पूछे गए प्रश्न से संबंधित जानकारियां सरल भाषा में व्यक्त कर दे। वर्णन और विवरण वाले प्रश्नों में तथ्यों की गुंजाइश ज्यादा होती है, जबकि व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए या स्पष्टीकरण दीजिए वाले प्रश्नों में पूछे गए विषय को सरल भाषा में समझाते हुए लिखने की अपेक्षा होती है। फिर आलोचना, समीक्षा या फिर परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण, गुण दोष विवेचन, ऐसे सभी प्रश्नों को एक कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न उम्मीदवार से किसी तथ्य या कथन की अच्छाइयों और बुराइयों की गहरी समझ की अपेक्षा करते हैं। आलोचना शब्द से यह भाव जरूर निकलता है कि अभ्यर्थी को इससे पूछे गए विषय से जुड़ी नकारात्मक बातें बतानी है, लेकिन सच यही है कि आलोचना का सही अर्थ गुण और दोष दोनों पक्षों पर ध्यान देना है। फिर मूल्यांकन या आलोचनात्मक मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ ही होता है कि किसी कथन या वस्तु के मूल्य का आंकलन या निर्धारण करना। तो ऐसे प्रश्नों में अभ्यर्थी से अपेक्षा होती है कि वो पूछे गए विषय का सर्वकालिक या वर्तमान महत्व रेखांकित करे, उसकी कमियां भी बताए और अंत में स्पष्ट करे कि उस कथन या वस्तु की समग्र उपयोगिता कितनी है। तो मूल्यांकन से पहले आलोचनात्मक लिखा हो या फिर नहीं, तार्किक रूप से दोनों बातों को ही एक ही समझना चाहिए। तो मूल्यांकन की कोई भी गंभीर प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है जब उसके मूल में आलोचनात्मक पक्ष का ध्यान रखा गया हो। तो सार ये है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन वाले प्रश्नों में अभ्यर्थी को पहले गुण और दोष बताने चाहिए और अंत में उन दोनों की तुलना के आधार पर ये स्पष्ट करना चाहिए कि उस कथन या वस्तु का क्या और कितना महत्व है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले प्रश्न के आखिरी हिस्से पर ध्यान देना चाहिए और वहीं से आपको अपने उत्तर की दिशा तय करनी चाहिए।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।